मुसर्रत मिसबाह एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत और लगन से एक परफेक्ट वुमन बनकर दिखाया है। शी इज अ मास्टर एट डूइंग द बैलेंसिंग एक्ट। वो है एक मुकम्मल फैमिली वुमन, एक मुकम्मल बिजनेस टाइकून और एक इंसान दोस्त शख्सियत, और ये सब बनाता है उनको एक मुकम्मल औरत। माशाल्लाह से मेरी 6 बेटियां हैं मगर मसरत उन सब बच्चियों में बड़ी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हम लोग महसूस करते थे सब बचपने में, वो इस कदर जिद और वही काम करना है जो उसे करना है। अगर उसने कह दिया है कि मुझे ये करना है तो करना है। मैंने हमेशा ज़िंदगी का एक दस्तूर बनाया हुआ है। जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं सिर्फ घर, बच्चे, फैमिली, उससे अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ और मैंने डेप्लेक्स जाना होता है या अपने काम से जाना होता है तो फिर मेरा दिमाग मेरे पूरे दिन के बारे में सोच रहा होता है। मैंने किससे मिलना है, मेरी आज की अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे किस तरह से क्या डील करना है, क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रास्ते भर में जो है ना वो मैं करती जाती हूँ। मेरी 4 बहनें मुल्क से बाहर रहती हैं और 3 अमेरिका में रहती हैं। तो मैं नॉर्मली सुबह को जब उठ के जब थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास रिलैक्स होते हैं उस वक्त टाइम होता है उनसे बात करने का। अच्छा, उसके बाद हमारा ना एक और भी कोशिश ये करते हैं कि किसी की गीबत ना करें, तो हम लोगों का एक लफ्ज़ होता है छुट्टन ने पुट्टन का खून कर लिया। इसका मतलब है अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम आगे किसी को भी बताना चाहो तो बता दो। तीस सालों में अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये कि मेरे क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं उनसे कहती हूँ कि ना आपने इस तरह नहीं इस तरह करना है तो वो फौरन उस बात को मान जाते हैं, दे ट्रस्ट मी। In a country where 80% of women suffer domestic violence, we have recently found a hero. From being the owner of the largest beauty business in Pakistan to helping victims of domestic violence, Musarrat Mizbah is one woman who does not believe in giving up. Wo ek mukammal tasveer hain hope, determination aur strength ki. बचपन से जो उसमें ज़िद थी काम करने की, एक लगन थी, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब भी उसमें शामिल है। वो जब भी घर आती हैं हम सब साथ में खाना खाते हैं, सब साथ मिल के बैठते हैं, बातें मीटिंग होती हैं हमारे घर के अंदर नाना के साथ, नानी साहब, सारे कज़िन्स मिल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाजी ने मुझे अपने पास बुला के मुझे मेकअप की ट्रेनिंग भी दिया और कहती थी करो करो, एक दफ़ा गलत करोगी, दो दफ़ा करोगी लेकिन इससे सीखोगी और सीख के तुम सॉलिड बनोगी। अगर मैं तुम्हें करेक्ट करती रहूँगी, तुम्हें बताती रहूँगी तो फिर तुम सीखोगी नहीं। हमेशा बोलती थी कि जब वो कॉलेज में थी उन्हें अलामा इकबाल पे 20 पेजेस का हमने ऐसे लिखा था, उसमें फुल मार्क्स मिले थे उनको, तो वो बोलती कि अगर उर्दू में मदद चाहिए तो उनके पास ही आना होता है। मैंने बहुत नाराज़ हो जाती हैं। स्कूलिंग कैंट पब्लिक स्कूल से हुई थी, इतना बड़ा स्कूल था कि उसमें हम ढेर सारे बच्चे गुम हो जाते थे। इट वॉज़ अ को एजुकेशन और मुझे यकीन है कि मेरे साथ की लड़कियाँ और लड़के ज़रूर आज अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी थी वहाँ पर। डैडी हमारे ज़रा कम गो हैं, वेरी शार्प दो, वेरी इंटेलिजेंट मैन, गुड बिजनेस मैन। आई थिंक इंटेलिजेंस जो है वो डैडी से मिली। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह से, मेरा बेटा खुर्रम और मेरी बेटी रिदा।
खुर्रम कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मेरी बहू भी बहुत प्यारी बच्ची है, और मेरी बेटी जो है वो उसने अपनी कॉस्मेटोलॉजी की डिग्री कर ली है और वो अब डेपिलेक्स को देखती है। बचपने में तो मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का था, लेकिन जब वक्त और हालात की वजह से मैं ब्यूटिशन बन गई तो आई डोंट रिग्रेट इट। मैं समझती हूँ कि इस फील्ड में जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और नाम दी है, हो सकता है वो डॉक्टर बन के मैं नहीं हासिल कर पाती। जब आप ज़िंदगी के 30 साल किसी एक करियर में, किसी एक शोबे में गुजार देते हैं, तो आप उस शोबे की हर ऊंच नीच से वाकिफ़ होते हैं। आप उसको बेहतर से बेहतर उसी वक्त करते हैं जब आप सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। इस वक्त माशाल्लाह से डेपिलेक्स जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्यूटी चेन है। डेपिलेक्स ओनर मुसर्रत मिसबाह इज़ हेल्पिंग बर्न विक्टिम्स टू फाइंड अ स्माइल अगेन। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक ऐसे काम के लिए सेलेक्ट किया जो इंसानियत की खिदमत जो है उसका मुझे मौका दिया है। मॉर्निंग विद हम सैल्यूट करता है मुसर्रत मिसबाह की इन काविशों को।